स्वागत है। मैं शीश पर्चमान बी ए पार्ट वन के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर की कुछ एक्सरसाइजेस लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन पेपर एमडी यूनिवर्सिटी का है, दिसंबर 2016 का, बी ए पार्ट वन सेक्शन ए। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसमें कुछ सेंटेंसेस ग्रामर के मिलेंगे और ग्रामर के सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे और रूल्स जो भी बनेंगे आप नोट करते जाइए। और वैसे ही उसी टाइप के लगभग क्वेश्चंस आते हैं। बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश, लेट्स बिगिन दिस वीडियो लेक्चर 4। ये जो एक्सरसाइजेज हम लिटरेचर और लैंग्वेज बुक में जो चैप्टर के लास्ट में दी होती हैं, तो वो एक्सरसाइजेज की जो सीरीज चली आ रही है उसमें ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है। Fill in the blanks with suitable form of verbs given in brackets. Brackets में कुछ verb form दी हुई हैं, जो suitable verb form बनती है blanks में आपको भरनी है। For example, the audience dash requested to leave. B आपको bracket में दी हुई है। और ये बात आप जान लीजिए सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कई बार आपको B bracket में मिला होता है, बी टाइप वर्ब भरने होते हैं। जब तक आपको वर्ब सारे टिप्स पे ना हो, आप इनको लर्न कर लीजिए। बी टाइप वर्ब्स 5 होते हैं, इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है, वाज वर पास्ट फॉर्म है, इवन बीन ये परफेक्ट टेंसेस में आती है। तो इज एम आर वाज वर फिलहाल लर्न कीजिए। डू टाइप में आते हैं डू डज डिड, हैव टाइप में आते हैं हैज हैड। ये तो एक कैटेगरी होगी, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। और बी टाइप और हैव टाइप, ये कभी कभी ये प्राइमरी वर्ब के रूप में भी आते हैं। तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये वर्ब्स हैं, वर्ब फॉर्म है। बी टाइप इज एम आर वाज वर, डू टाइप डू डज डिड, हैव टाइप हैज हैव हैड। और नेक्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये भी आप लिख लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। अदरवाइज आपको लिखा आएगा क्वेश्चन में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भरिए, आपको फिलअप्स में तो आपको पता ही ना हो कि मॉडल क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर्टिकल क्या होते हैं आपको पता ही ना हो, प्रपोजिशंस क्या होती हैं आपको ये बेसिक्स सारी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, यूज्ड टू, मस्ट वगैरह वगैरह, ये मॉडल ऑक्सिलरी। यहाँ सिर्फ आपको ये देखना है कि बी टाइप, बी टाइप देखते ही आपको आपके माइंड में इज एम आर और वाज वर आने चाहिए। अब यहाँ देखिए, रिक्वेस्टेड दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आपको मिली हुई है और इससे पहले आपको बी टाइप भरना हो तो इज एम आर वाज वर में से एक लेना है, तो ये एक पैसिव फॉर्म होती है। ये सेंटेंस जो है पैसिव कंस्ट्रक्शन में है, तो आपको ऑडियंस, अब या ऑडियंस को सिंगुलर यूनिट मान के चलोगे तो इज आएगा, अगर इसको स्कैटर्ड वे में मानोगे, ऑडियंस एक एक करके आप माइंड में आपके हैं, ऑडियंस बहुत से हैं, तो आर यूज कर सकते हो। द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू लीव, अब ये तो क्लियर नहीं दिया हुआ है कि कौन से टेंस में आपको करना है। आपके लिए दोनों ऑप्शन खुले थे, द ऑडियंस वॉज रिक्वेस्टेड टू लीव, द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू लीव, द ऑडियंस वर रिक्वेस्टेड टू लीव। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट में आप प्रेजेंट टेंस को ही मानिए, राइट। अगर सिचुएशन पास्ट टेंस की होती है तो पास्ट टेंस में जाते हैं, तो जो नज़दीक का मानते हैं उसको प्रेजेंट में ही लेना पड़ेगा आपको, मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि क्लोज टेस्ट टाइप होते हैं। तो इसमें आपने इज या आर भर सकते हो, अगर माइंड में यूनिट के रूप में ऑडियंस को ले रहे हो तो इज आएगा। और दे आर डैश 7 डेज इन अ वीक, अब 7 डेज जब दे आर से सेंटेंस शुरू होता है, डमी सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो रियल सब्जेक्ट्स जो होते हैं आगे दिए होते हैं। यहाँ पे रियल सब्जेक्ट यहाँ डेज है, 7 डेज, 7 डिटर्मिनर है, ये मॉडिफायर है, असली डेज है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो डेज के लिए आर आएगा, इज आएगा या एम आएगा, और फैक्ट है तो प्रेजेंट में ही बनाओगे, पास्ट में तो बनाओगे नहीं, क्योंकि सच्चाई है, सामान्य सच्चाई है, एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, होते थे तो नहीं होगा, होते हैं,
तो देयर आर 7 days इन अ वीक. नीरा डैश कॉफी नॉट ड्रिंक. अब यहां पे सेंटेंस में कोई आपको कीवर्ड जो होते हैं पास्ट टेंस के या फिर परफेक्ट टेंस के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के इवन कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ है. आपको गेस करना है, सेंटेंस का मीनिंग समझना है कि वो किस नेचर का है. तो ये फैक्ट के बारे में है, कॉफी नहीं पीती, ये उसकी दिनचर्या है, रूटीन है. रूटीन एक्टिविटी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, राइट. तो नीर और नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस आप डू या डज से बनाते हो. नीरा सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो ये डज लेगी. नीरा डज नॉट ड्रिंक कॉफी. तो जब भी आप सब्जेक्ट को देख के वर्ब को चुनाव करना होता है आपको, सीक्वेंस ऑफ टेंस यही होती है. आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स. तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि आप सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कीजिए और लर्न कर लीजिए, ए कैटेगरी वाले और बी कैटेगरी वाले. ए में ही शी इट सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स रख लीजिए और बी में रखिए आई वी यू दे प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन्स. तो ए वाले टेंस वाइज चार्ट बना लीजिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऐसी ही लगे. ये मैं डिटेल में यहाँ जाना नहीं चाहता, ये अलग से हम डिस्कस करेंगे इनको. नीरा डज नॉट ड्रिंक कॉफी, राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं. आई डैश फॉर वॉक एवरी डे. एवरी डे इज द क्लियर हिंट फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के 12-13 कुछ कीवर्ड्स हैं जो एकदम बता रहे हैं आपको कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भरने जा रहे हो. डेली एवरी डे ऑफन राइट यूजली और नॉर्मली जनरली फ्रीक्वेंटली ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, समटाइम्स हो गया. तो इस तरह से ये 10-12 कीवर्ड्स हैं, लर्न कर लीजिए. आपको एकदम पता लगेगा कि यू आर गोइंग टू फिल अप सिंपल प्रेजेंट टेंस. जब आपको लगा कि एवरी डे वाला है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप जा रहे हैं, तो फिर सेंटेंस की नेचर पहचानिए कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है. अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे ये पॉजिटिव है, इसमें ब्रैकेट में कोई नॉट नहीं दिया हुआ है या क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, एंड नॉट दिस सेंटेंस इज नेगेटिव, नॉट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है. या तो आपको SES लगाना पड़ेगा वर्ब के साथ या फिर SES नहीं लगाना पड़ेगा. इसका डिसीजन कौन करेगा? ए कैटेगरी वाले सब्जेक्ट्स SES लेते, बी वाले SES नहीं लेते. उसी तरीके से आप चलते जाओ. ए वाले ही शी इट वगैरह आते हैं, बी वाले में आई वी यू दे प्लूरल. ये आई क्या है? बी कैटेगरी का है तो SES नहीं लेगा. तो आई गो फॉर वॉक एवरी डे. तो स्टेप बना लीजिए. सेंटेंस पहले पहचानिए, कीवर्ड्स है तो उससे टेंस पता लग जाता है. फिर आप नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव है, ये चीजें जान के करिए. ही डज सिंस 1994 टीच, ब्रैकेट में दिया हुआ है. ये भी कीवर्ड एक किस्म से सिंस फॉर प्लस टाइम किसी भी सेंटेंस में मिले और सेंटेंस प्रेजेंट सिचुएशन में हो. जैसे कि ये सिंपल सेंटेंस था, प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें. दूसरे पार्ट में अगर ये कॉम्प्लेक्स भी होता, किसी क्लोज के साथ होता है, वेन वाली क्लोज होती, इसमें इफ वाली होती और सेकंड फॉर्म उधर होती. तो यहाँ पे सिंस फॉर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है साथ में, तो पास तो है ही नहीं है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी, ये सिंपल सेंटेंस है. सेंटेंस की टाइप जो है सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है और प्रेजेंट सिचुएशन है. तो आपको हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ ING सिंस फॉर लगाने पड़ेंगे. He has been teaching since 1994, right? अगर यह फॉर होता तब भी has been, have been में से एक लेना था. she के साथ तो आप he के साथ आप has लगाओगे, ये तो पता ही आपको बेसिक चीजें. They hope tomorrow, go break में दिया हुआ है. Tomorrow, next, ये शो करते हैं फ्यूचर को. फ्यूचर में आप will या shall past form के साथ लगा सकते हो. They are going home tomorrow.
दे आर गोइंग होम टुमारो, ये तो प्लान फ्यूचर हो गया, दे विल गो होम टुमारो, फ्यूचर प्योर फ्यूचर लगाना हो, दे विल गो होम टुमारो। प्लान फ्यूचर में ये होता है कि सर्टन होता है, श्योरिटी होती है, दे आर गोइंग होम टुमारो। द सेरेमनी इन द मॉर्निंग बिगिन, अब यहाँ पे दैट सेरेमनी बिगिन्स इन द मॉर्निंग करोगे तो एक परमानेंट फीचर बन जाएगी। सेरेमनी हमेशा तो नहीं मॉर्निंग में शुरू होती, मतलब कभी कभी हो सकती है, ये फैक्ट तो नहीं है, ट्रूथ तो नहीं है, तो सिचुएशनल है। तो इसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट में जाओगे तो बेटर है। द सेरेमनी बिगैन इन द मॉर्निंग, द सेरेमनी बिगैन इन द मॉर्निंग, और कोई सिचुएशन होती है तो बिगिंस भी कर लेते हैं, तो बिगैन या तो अप्रोप्रिएट सेकंड फॉर्म बनेगी। द वाइस चांसलर यू डैश ऑन मंडे, ऑन मंडे ऐसा लगता है जैसे, क्योंकि वाइस चांसलर से मुलाकात है तो ये प्लान फ्यूचर होता है। प्लान फ्यूचर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगा के वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दीजिए, तो ये प्लान फ्यूचर बन जाता है। प्लान फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअस टेंस में आपके द वाइस चांसलर इज मीटिंग यू ऑन मंडे, इज मीटिंग यू ऑन मंडे या मीट्स यू ऑन मंडे भी प्लान फ्यूचर है। प्लान फ्यूचर 90% श्योरिटी जिसमें होती है वो होता है, पहले से ही फिक्स्ड होता है। मीटिंग्स जो होती है बड़े लोगों वीआईपीस की, ये सारी पहले ही फिक्स्ड होती है, इसलिए प्लान फ्यूचर में ही बनती है, आइदर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। 1000 रुपीज रियली अ बिग अमाउंट, बी टाइप इज एम आर वाज वन, फैक्ट है 1000 रुपीज इज रियली अ बिग, रुपीज को देख के आर मत लगाइए, ये वन यूनिट मान रहे हैं, 1000 रुपीज अमाउंट के लिए आप इज अ बिग अमाउंट, आर ए बिग अमाउंट नहीं होगा, इज अ बिग अमाउंट। एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आर्टिस्ट, मेरे सारे मित्र आर्टिस्ट हैं, एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड, सारे मित्रों, प्रत्येक मित्र मतलब सिंगुलर है, एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन आर्टिस्ट, तो फ्रेंड्स को देख के आर मत, एंड सिंगुलर वर्ब आएगा इज एन आर्टिस्ट। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम, इन ब्रॉड हिंट है आपके लिए, बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दो क्लोजेस के को जोड़ रहे ये बिफोर आफ्टर वाले, तो लेफ्ट साइड पे जो क्लोज है वो, या फिर ऐसे ऐसे कहिए कि दो एक्शन है, दो एक्शन पास्ट टेंस में हुए, एक पहले हुआ एक उसके बाद हुआ, जो पहले एक्शन घटित हुआ दैट विल बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, द एक्शन विच अकर्ड लेटर ऑन दैट विल बी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ सेकंड फॉर्म, उसको हम सेकंड फॉर्म से बनाएंगे, जो बाद में एक्शन हुआ, जो पहले हुआ वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा पास्ट परफेक्ट में। वैसे भी बिफोर से पहले एक फार्मूला बना लो, बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इस साइड पे सेकंड फॉर्म है तो उधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। माय फादर फ्रॉम लंडन यस्टरडे, यस्टरडे ब्रॉड हिंट, दिस इज ब्रॉड हिंट, क्लियर हिंट फॉर यू फॉर सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में चार कीवर्ड्स आ रहे हैं, yesterday, ago, 10 days ago, 10 minutes ago, या in 1980, year mention कर रहे हैं आप, या फिर yesterday कह रहे हैं, last word use कर, last year, last Sunday, last week, last month, this is clear hint for simple past tense. Positive sentence, affirmative sentence में second form आती है, negative interrogative में did plus first form से हम negative बनाते हैं, या फिर did बाहर निकाल के interrogative sentence बनता है। My father returned या arrived from London yesterday. My father returned from London yesterday. She dash the match tomorrow. Tomorrow मैच प्ले होना है कल को, इसका मतलब ये प्लान फ्यूचर है। शी विल प्ले
कहोगे तो कच्चा रहेगा सेंटेंस, शी विल प्ले द मैच टुमारो, उसमें श्योरिटी नहीं है। अगर आप श्योर होना चाहते हो प्लान फ्यूचर, वैसे तो यहाँ पे प्रैक्ट में दिया होता कि प्लान फ्यूचर है तो बेटर होता, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, दोनों कर सकते हो। विल प्ले द मैच टुमारो, इज गोइंग टू प्ले द मैच टुमारो, दोनों ऑप्शन सही है। 14th सेंटेंस है वी डैश फॉर 3 आवर, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, और सिचुएशन बिल्कुल प्रेजेंट में है। पास्ट में होती, दूसरी क्लॉज पास्ट में होती तो आप हैड बीन लगा सकते थे यहाँ पे। फ्यूचर होता, परफॉर्म होती दूसरी क्लॉज में तो आप विल हैव बीन, शैल हैव बीन में जाते, बट यहाँ तो सिंपल सेंटेंस है और सिचुएशन क्लियर है, प्रेजेंट टेंस में है, तो we have been waiting for 3 hours, hurry up, we dash get late, जितने भी imperative, ये rule बनता है। जब कोई imperative sentence आप शुरू में use कर रहे हो, imperative command होती है, request होती है, या मनाही होती है, prohibitions होती है, do not से begin कर सकते हो, do not disturb me, आगे कोई सेंटेंस मिलेगा, हरी अप, आगे कोई सेंटेंस मिलेगा, लुक सी वॉच, आगे कोई सेंटेंस मिलेगा। तो ये इम्पेरेटिव पढ़ते ही आपको पता लगना चाहिए कि जब कोई आपको कह रहा है कि हरी अप, जल्दी करो, इसका मतलब कोई एक्शन चल रहा है। वी आर गेटिंग लेट, कोई कहता है लुक द चिल्ड्रन आर फाइटिंग, सी शी इज डांसिंग, तो इस तरह कंटिन्यूटी वाला ही आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आता है आगे। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 होता है, तो सेक्शन बी में आपको, और बहुत ही इतना आसान है बीए पार्ट 1 में पास होना, 12 नंबर की ग्रामर, 12 सेंटेंस उसमें से करने थे, 12 इसमें करने, 24 मार्क्स की तो ग्रामर होगी आपको, लगभग 20 या 24 मार्क्स की ग्रामर है। यहाँ पे 12 क्वेश्चन करने हैं, 12 मार्क्स के आपको, बहुत इजी है ग्रामर, वही घूम घूम के उसी तरह के सेंटेंस आते हैं, कहीं बी आ रहा है, कहीं सिंस पर प्लस टाइम आ जाएगा, आपको हैज बीन हैव बीन करनी है, इन चीज़ों को पूरा माइंड में बिठा लो। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन, प्रपोजिशन भरनी है इस पार्ट में आपको, पार्ट 1 में प्रपोजिशन माइंड में आ जानी चाहिए। प्रपोजिशन है क्या, ऑन, एट, इन, इनटू, आफ्टर, बिफोर और अगेंस्ट, ये सारी प्रपोजिशन का चार्ट अपने दिमाग में उठा लो, उनका यूसेज समझ लो, बेसिक ऑफ ग्रामर कोई भी बुक से। प्रपोजिशन की वीडियो मैंने भी डाली हुई है, आप अलग से ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मिल जाएंगे आपको, आर्टिकल्स अलग से डिस्कस किए हुए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम माय कजिन केम आगरा, अगर वेंट होता तो हम टू लगा देते, माय कजिन वेंट टू आगरा हो जाता, केम है, केम फ्रॉम आएगा, वहां से आए हैं, माय कजिन केम फ्रॉम आगरा। क्रिसमस डे इज ऑन December 25, तो फेस्टिवल्स के लिए ऑन। कुड यू मीट मी, अब यहाँ पे 2:30 बजे तक क्या आप मुझे मिल सकते हो, रिक्वेस्ट है, कुड पास्ट टेंस नहीं है यहाँ, रिक्वेस्ट कुड से आप फॉर्मल रिक्वेस्ट बना सकते हो। एट भी हो सकता है, एट 2:30, एग्जैक्ट 2:30 पे, या बाई लगा सकते हैं, बाई का मतलब तक, टिल, टिल बाय, बाय 2:30, 2:30 बजे तक मिल सकते हो, तक वर्ड यूज करते हैं आप, बाय या टिल आ सकते हैं। ही वॉज बोर्न, ईयर मेंशन है तो इन आएगा, इन 1960। आई हर्ड ए नॉइस एट मिडनाइट, इन द मॉर्निंग, राइट, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट डॉन, एट सनराइज, एट नून और एट नाइट, एट मिडनाइट, एट द डेड ऑफ नाइट, ये सारे एट लेते हैं। तो आई हर्ड अ नॉइस एट मिडनाइट, लैला इज फोन,
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर प्रपोजिशन देते हैं, जैसे डील्स इन, फॉन्ड ऑफ, एब्सटेन फ्रॉम, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, जूनियर टू, सीनियर टू, इन्फीरियर टू, ये सारे टू लेते हैं। तो फॉन्ड ऑफ एप्पल्स, ये वर्ड्स लर्न कर लो। बहुत से वर्ड्स हैं जो एकदम फिक्स्ड अपने साथ अलग ही प्रपोजिशन रखते हैं। लाफ एट, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्रीज की फॉर्म भरनी है आपको। सुरेश इज माय ओल्ड फ्रेंड, पुराना मित्र है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। सुरेश इज माय ओल्ड फ्रेंड। गीता इज द दे दिया इसने, तो द अगर ऐसे आ जाए और डिग्री एडजेक्टिव की भरनी है आपको, सुपरलेटिव डिग्री आती है। गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर कंपैरेटिव फॉर्म है। तो द बेस्ट फ्रेंड आई हैव, गीता इज द बेस्ट फ्रेंड आई हैव, राइट। आयरन इज डैन आ गया तो कंपैरेटिव फॉर्म आती है, ईआर वाली आती है, डैन आ जाए तो, या मोर या ईआर। कई शब्द ऐसे होते हैं एडजेक्टिव के जो मोर लेते हैं, कहीं जहां ईआर या ईएसटी फिट नहीं बैठते वहां मोर या मोस्ट लगा देते हैं। आयरन इज मोर यूजफुल, यूजफुलर नहीं होगा, मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ऑफ दीज टू बुक्स दिस इज बेटर, दो में कंपेरिजन है, दिस इज बेटर, दिस इज गुड नहीं कहोगे आप, या इसमें द बेस्ट हो, यू नो दिस इज बेटर। दिस बॉक्स इज देन आ गया, कंपेरिजन है, बिगर देन, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ये डिग्रीज भी आपको लर्न करनी होगी। ग्रामर 24 मार्क्स लेने के लिए आपको कुछ तो काम करना होगा, ऐसे थोड़ी आपको 24 मार्क्स ऐसे दे देंगे। विच इज द आ गया तो क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री, या तो मोस्ट होगा या फिर ई एस टी लगा होता है। तो डेंजरस में तो ई एस टी नहीं आ सकता, यहाँ क्या आएगा बोलिए? यहाँ आएगा मोस्ट। विच इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड? ह्यूमन बींग, मैन, मैन इज द मोस्ट। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जिन्हें कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपको लर्न करने होंगे, सारी चीजें लर्न करके ही तो आएंगी। हैप्पी का क्या बनेगा? हैप्पीनेस, हैप्पी का मीनिंग यहाँ दे दिया मैंने, हैप्पीनेस। नॉवल का नॉवल्टी, डार्क डार्कनेस, ब्रेव ब्रेवरी, वेकेंट वेकेंसी, वाइड विड्थ। तो ये 30 सेंटेंसेस थे क्वेश्चन नंबर 6 के, जिसमें से 24 मार्क्स आपको लेने थे। तो इस तरीके से आप इनको कीजिए, पूछे क्वेश्चन पेपर से। मैं और एक्सरसाइज लेके आऊँगा। टिल देन हैव नाइस डे।